नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। दोस्तों, नायक में हम आपका परिचय ऐसी शख्सियतों से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ही ऐसा नाम कमाया है कि वो दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गए। तो इसी कड़ी में हम आपका आज परिचय करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने शास्त्रीय गायन की दुनिया में अपना एक विशिष्ट, बिल्कुल अलग स्थान बनाया था, बनाया हुआ है और जिनका नाम हमेशा बहुत ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाएगा। जी हाँ, हमारे आज के नायक हैं द वन एंड ओनली बड़े गुलाम अली खान साहब। नायक, नायक। तो बताऊंगा मैं आपको आज कि कैसे बड़े गुलाम अली खान साहब पार्टीशन के बाद चले गए पाकिस्तान, लेकिन फिर क्यों लौट आए भारत और रहे अपनी आखिरी सांस तक भारत में ही। कैसे क्लासिकल म्यूजिक के मास्टर एक्सपोनेंट बड़े गुलाम अली खान साहब फिल्मी म्यूजिक को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, बहुत पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी क्यों गाने पड़े उन्हें दो गाने के आसिफ की फिल्म मुगले आजम के लिए। साथ ही बताऊंगा आपको कि कैसे मशहूर गजल सिंगर गुलाम अली बने गुलाम अली खान साहब के शिष्य। उस्ताद साहब के गायन के खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा आज की पीढ़ी को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस दौर में रिकॉर्डिंग की सुविधा ज्यादा डेवलप नहीं थी। बाजार में उपलब्ध रिकॉर्ड उनके जीवन के अंतिम दौर के हैं, जो बड़े गुलाम अली खान साहब के गायन की प्रतिभा का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करते। पश्चिमी पंजाब के कसूर में साल 1902 में जन्मे उस्ताद पटियाला घराने के थे, लेकिन पटियाला से पहले उस्ताद के पूर्वज महाराजा कश्मीर के यहाँ गाया करते थे, इसलिए यह घराना कश्मीर घराना कहलाता था। लेकिन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने अपने संगीत को कभी किसी एक घराने की सीमाओं में कैद नहीं रखा। दिलचस्प बात यह भी है कि बड़े गुलाम अली खान साहब की संगीत की दुनिया में शुरुआत एक सारंगी वादक की तरह हुई थी। उन्होंने अपने पिता अली बख्श खां और चाचा काले खां से सीखी थी संगीत की बारीकियां। तो क्यों पाकिस्तान छोड़ भारत आकर बसे बड़े गुलाम अली खान साहब। बड़े गुलाम अली खान साहब के हुनर को सबसे पहले पहचाना गया 1919 में आयोजित लाहौर के एक संगीत सम्मेलन में। इसके बाद कलकत्ता और इलाहाबाद में कुछ ऐसे ही संगीत सम्मेलनों ने उन्हें मशहूर कर दिया। दिल को छू जाने वाली आवाज के मालिक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने नवेली शैली के जरिए ठुमरी को नई आब और ताब दी। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद बड़े गुलाम अली खान साहब पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन संगीत के इस साधक को वहां का माहौल रास नहीं आया। उन्हें वहां जाकर लगा कि वहां उनकी सही कद्र नहीं है, उनकी कला को समुचित सम्मान नहीं मिलता। नतीजन वे भारत लौट आए। संगीत के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान मिले, अवार्ड मिले। 1962 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया भारत सरकार ने। तो कैसे मशहूर गजल सिंगर गुलाम अली का परिचय हुआ बड़े गुलाम अली खान साहब से, और कैसे आए गुलाम अली बड़े गुलाम अली खान साहब की शागिर्दी में। उनके वालिद साहब चाहते थे कि गुलाम अली को शागिर्दी मिले, गायन के कुछ गुर सीखने को मिले बड़े गुलाम अली खान साहब से। तो बड़ी मशक्कत की, बड़ी सिफारिशें करवाई गुलाम अली खान साहब के दोस्तों से भी उनके वालिद साहब ने कि साहब इसको कुछ सिखाइए। तो फिर आखिरकार एक दिन बुलाया बड़े गुलाम अली खान साहब ने गुलाम अली को और कुछ सुनाने को कहा। तब उन्होंने उनको एक ठुमरी सुनाई, सैया बोलो तनिक मुंह से रहियो न जाए। जब ये ठुमरी सुनी गुलाम अली की आवाज़ में बड़े गुलाम अली खान साहब ने, तो बड़ा प्यार किया, उनके गाल पे हाथ रखा, सर पे हाथ रख के शाबाशी दी और हंसते हुए कहा कि तुम्हारे जैसा शागिर्द होना भी एक गर्व की बात है। गुलाम अली साहब कहते हैं, ये तो बड़प्पन था बड़े गुलाम अली खान साहब का कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा कहा। हकीकत की बात यह है कि ऐसे उस्ताद की शागिर्दी मिलना मुकद्दर से ही संभव है। तो कैसे जो हमेशा फिल्मी म्यूजिक को बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, ऐसे बड़े गुलाम अली खान साहब
फंस गए कि आसिफ की बातों में और गाना पड़ा एक बड़ा ही कालजयी गीत। भारतीय फिल्मों के इतिहास में मुगले आजम आज भी एक क्लासिक की तरह देखी जाती है। नौशाद और के आसिफ ने तय किया कि अकबर के नवरत्न तानसेन की मौजूदगी का अनुभव भी इस फिल्म के द्वारा कराया जाए। नौशाद साहब की नजर जाने माने गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां पर थी, लेकिन बड़े गुलाम अली खां साहब थे कि वो तो फिल्मों में गाना ही नहीं चाहते थे। उनको मनाना आसान काम नहीं था। पहले तो खां साहब ने फिल्म में गाने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब उन पर दबाव बढ़ा तो सोचा कि इन लोगों को टालें कैसे, तो उन्होंने सीधे कहा कि मेरी एक गाने की फीस होगी 25,000 रुपये। ये वो जमाना था साहब जब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे मशहूर एस्टैब्लिश्ड प्लेबैक सिंगर्स भी एक गाने के 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया करते थे। लेकिन के आसिफ को भी देखिए साहब, उन्होंने एक मिनट नहीं सोचा, चेकबुक निकाली, 25,000 का चेक काटा और पकड़ाया बड़े गुलाम अली खां साहब को। तो जानते हैं गुलाम अली खां साहब की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे संस्मरण जो शायद हमें वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया हो, या जो उन लोगों को बहुत करीब से जानते हैं जिन्होंने बड़े गुलाम अली खां साहब के साथ काम किया है। तो जुड़े हुए हैं हमारे साथ मशकूर खान, जो बेटे हैं शकूर खान साहब के, पद्मश्री शकूर खान साहब के, जो सारंगी पर बड़े गुलाम अली खां साहब के साथ हुआ करते थे। मेरे वाले साहब के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बड़े पुराने जिगरी दोस्त थे। तो जमाने भर से गाते बजाते आए, मेरे वाले साहब तो उनकी बहुत तारीफ करते थे। तो जो कहते हैं कि गुलाम अली की जो एक तान है वो ऐसी है कि जहाँ उसको रोकना होता था वो वहीं रुकती है, बीच में से कहीं कट के या गिर के या पढ़ के या इस तरीके से नहीं जाती है। और बताया करते थे कि सबस पीर एक तकिया है, वहाँ उसमें रात को वो रियाज वगैरह भी अपना करा करते थे सारी रात। और जब वो सारंगी बजाते तो उसकी सर पे भी छेड़ के कुछ ना कुछ वो गाते रहते। मतलब ऐसा है कि बड़े गुलाम अली खान साहब शायद गाने बजाने के लिए पैदा हुए थे। क्या बात है जनाब, क्या शख्सियत थी बड़े गुलाम अली खान साहब की, क्या बड़ा दिल था उनका और संगीत के प्रति किस तरह का समर्पण था। वो दिन भी चले गए, वो लोग भी चले गए। तो हमारे साथ बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ सारंगी पर साथ देने वाले उस्ताद शकूर खान के बेटे मशकूर खान अभी भी बने हुए हैं। इस दफे का वाकया ये है कि जब खान साहब का इंतकाल हो गया तो एक दिन रात को रिकॉर्डिंग में बज रही थी, इसमें वाली साहब ऐसे सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर आ रहे थे। तो वो सुने, वो गा रहे थे याद पिया की आए, तो थोड़ी देर के बाद में आंसू निकल आए उनके और कहने लगे कि यार तू कहाँ चला गया, तेरी वजह से तो मेरा रियाज भी कम हो गया। इसका मतलब ये था कि गुलाम अली खान साहब की वजह से वो आना जाना रहता था तो वो भी अपना रियाज बना के रखते थे। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने हैदराबाद में दम तोड़ा, अपनी अंतिम सांस ली 1968 में। बहुत धन्यवाद मशकूर खान साहब, कल शाम 8 बजे फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। कल बात करेंगे हम एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही फिल्मी पर्दे पर, जिन्हें देखते ही हमारे आपके सब सिने प्रेमियों के चेहरे खिल उठते थे, मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती थी चेहरे पर। जी हाँ, कल बात करेंगे हम नायक में द वन एंड ओनली जॉनी वॉकर साहब की। तो जुड़ना ना भूलिएगा कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एवरीवन।